ओटीटी पे फिल्में देखने का अपना ही मजा है। 30 रुपए की पेप्सी 30 रुपए की मिल जाती है। अगर पॉपकॉर्न खाना तो पॉपकॉर्न खाओ, नहीं खाना तो इसकी माँ का वीर जी की मलाई चाप खाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वही साहब हो जाता है भाई साहब कि जब मन कर रहा है खा रहे हैं, जब मन कर रहा है पाद रहे हैं, जब मन कर रहा है पॉज कर रहे हैं, जब मन कर रहा है फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई रोक धोक नहीं इसकी बहन की। इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी मैं ओटीटी की फिल्में रिव्यू नहीं करता। आर्या, स्कैम, काला पानी, ये सब मैंने ऐसे स्किप कर दिया जैसे खुशियां बांटते समय भगवान मुझे स्किप कर देते हैं। मन मन में मैंने सोच लिया था कि अगर प्रदूषण और अर्थक्वेक से बच गए तो सीधा सलमान भाई की टाइगर 3 रिव्यू करेंगे, लेकिन कहां से कहां वो किट्टी पार्टी में करण का एपिसोड आ गया, वो देखना पड़ गया। उसके बाद जो मन खट्टा हुआ भाई साहब, मुंह मीठा करने के लिए कुछ तो करना ही था ना, तो मैंने देख डाली पिप्पा, और पिप्पा बढ़िया पिक्चर निकल गई भाई। सो मैंने देखी अमेजॉन प्राइम की दिवाली रिलीज पिप्पा, और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा मुझे फिल्म कैसी लगी और क्यों, बिकॉज आई एम जैन। और सेमीफाइनल का इंतजार करते करते कुछ तो करना ही था ना, तो यही कर डाल रहे। कभी कभी मुझे लगता है कि बॉलीवुड की ऑडियंसेस भी शमी भाई की बॉलिंग की तरह हो गई है, बिल्कुल समझ से बाहर। जैसे बैट्समैन को समझ में नहीं आता कि कौन सी वाली अंदर आएगी कौन सी वाली बाहर जाएगी, वैसे प्रोड्यूसर को समझ में नहीं आ रहा है कि किसमें ऑडियंस अंदर आएगी और किसमें ऑडियंस बाहर जाएगी। अब हम सबको लगा था कि कंगना जी की तेजस जो पिक्चर आई है जिंगोइज्म से भरी हुई, मार्केटिंग से लैस, वो तो करोड़ों रुपया कमा जाएगी, लेकिन वही हिसाब हो गया कि खड़ा हूँ आज भी यही कि फिर तेरा इंतजार है। और वहीं दूसरी तरफ थी विक्रांत मसीह की 12th फेल, जिसको देखते ही हमने बोल दिया था कि अबे काहे को टाइम पास कर रहे हो, सीधा ओटीटी पर रिलीज कर दो। उसको जनता देख के कह रही जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, मैंने कहा वाह गजब। और फिर जब पिप्पा के विजुअल्स देखे तो आई वाज अ लिटिल सरप्राइज कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज क्यों नहीं हो रही है। फिर मैंने वही करा जो ज्यादातर यूट्यूबर्स नहीं करते हैं, थोड़ी सी इंटरनेट पे रिसर्च। पता चला कि पिक्चर एक्चुअली प्लान तो बड़े पर्दे के लिए ही करी गई थी, लेकिन फिर प्रोड्यूसर्स ने मना कर दिया सेइंग दैट दिस इज अ वेरी क्राउडेड स्पेस। मैंने कहा यही बात कोई मेरी बीवी को समझा दे, कल धनतेरस में मुझे ले गई कढ़ाई और तवा लेने के लिए, इतनी ट्रैफिक मिल गई भाई साहब, वापस आने में मन कर रहा था इस कढ़ाई में खुद को ही तल डालूं। लेकिन एक तरह से बात ठीक भी है क्योंकि नवंबर आ चुका है, अगले 3 हफ्ते सलमान भाई अपनी टाइगर 3 के साथ ले जाएंगे, और उसके बाद के 2 हफ्ते विक्की कौशल की सैम बहादुर ले जाएगी, और उसके बाद शाहरुख खान लैपटॉप खोल के ट्विटर पे AMA करना शुरू करेंगे, तो फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा ना भैया। ऐसे में प्राइम वीडियो ने उनको दिवाली रिलीज ऑफर करी, और कितना स्मार्ट डिसीजन था उसको डायरेक्टली OTT पे रिलीज करना या नहीं वो तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे, बट ओवरऑल मुझे फिल्म कैसी लगी उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म। फिल्म का प्लॉट रिटायर्ड ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता साहब की किताब द बर्निंग शैफीज के ऊपर आधारित है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये शैफीज क्या है और ये बर्न काहे को हो रहा है, मैं बता देता हूँ। वेट, बेसिकली दे आर दी M24 शैफी अमेरिकन ओरिजिन टैंक्स विच वर विद द पाकिस्तानी आर्मी एंड हाउ दे केम इन्फीरियर अगेंस्ट द PT-76 सोवियत मेड एम्फीबियस टैंक्स विद द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। इतनी बढ़िया इंग्लिश बोल डाली मेरे को, SST में फुल नंबर मिलने चाहिए थे। तो ये है शैफीज और वो बर्न कैसे हुए थे उसकी पूरी की पूरी कहानी है। लेकिन टू डिटेल आउट अ लिटिल बिट मोर, पाकिस्तान की आर्मी अपने सो कॉल्ड अपने लोगों पर इस पाकिस्तान में जेनोसाइड कर रही है आफ्टर द जनरल इलेक्शंस एंड द अरेस्ट ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ऐसे में इंडिया अपने पड़ोस में आग बुझाने को उतरता है एंड वेजेस अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1971। सिर्फ 13 दिन में बांग्लादेश से पाकिस्तान को टाइम आउट करके चलता कर देते हैं एंड उनके इस एफर्ट से सब कॉन्टिनेंट का नक्शा ही बदल जाता है और एक नया देश पैदा होता है, बांग्लादेश। इस वॉर की एक बहुत डिसाइसिव बैटल ऑफ गरीबपुर की कहानी है, जहां एक यंग ऑफिसर बलराम सिंह मीना अपने पिप्पा टैंक्स के साथ पाकिस्तानी आर्मी को हरा देते हैं, और कैसे वो एक यंग रिबेलियस ऑफिसर से एक मच्योर आर्मी ऑफिसर बन के निकलते हैं इस वॉर के बाद, इसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी है। सबसे पहले तो बता दो कि फिल्म का नाम पिप्पा क्यों है। ये जो PT-76 एम्फीबियस टैंक्स थे, ये जमीन पर भी चल सकते थे और पानी पर भी चल सकते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया पिप्पा। घी के डिब्बा, यानी घी का जो डिब्बा होता है उसको पीपा कहते हैं, उसी से पिप्पा इसका नाम पड़ गया और यही फिल्म का नाम भी था। अब प्लॉट की बात करें तो सबसे पहले इंडियन आर्मी की ब्रवाडो की कहानी है, रियल वॉर सिचुएशन में बेस्ड है, तो ऑब्वियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। डिप्लोमेटिक इश्यूज, वॉर स्ट्रेटजीज और ह्यूमन वैल्यू के इर्द गिर्द घूमते इस प्लॉट को देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा। एक बड़े सेंसिटिव तरीके से वॉर को दिखाया गया है। सो ओवरऑल मैं अपनी तरफ से प्लॉट को देना चाहूंगा
थम्स अप। पॉइंट नंबर टू, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। फिल्म के लीड रोल में ईशान खट्टर और मृणाल ठाकुर, एंड थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि इनके बीच में कोई रोमांटिक एंगल नहीं है। इतना रोमांटिक एंगल से ऑब्सेस हो जाती बॉलीवुड की फिल्में कि लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भी एक रोमांटिक गाना डाल दिया इन लोगों ने। बट द ओनली रियल लव स्टोरी वी सी हियर इज द लव बिटवीन द ऑफिसर एंड देयर पिप्पा टैंक्स। ईशान खट्टर प्ले करते हैं बलराम सिंह मेहता उर्फ बल्ली का कैरेक्टर, और मेरे हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर लगी। जहाँ जहाँ पर उनकी फैमिली के साथ सीन थे वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जहाँ पर वो अपनी टुकड़ी को कमांड कर रहे हैं और आर्मी के जोन में बैठे हुए हैं, वहाँ वहाँ पर मुझे थोड़ा सा वीक लगता है। मे भी शायद हमने एक टेम्पलेट में इतने सारे आर्मी ऑफिसर्स को देख लिया है कि एक यंग आर्मी ऑफिसर को देख के थोड़ा सा अटपटा लगता है। बट पर्सनली मुझे लगा कि वहाँ पर ईशान खट्टर थोड़े से अंडरवेलमिंग थे। मृणाल ठाकुर का बेसिक सा रोल था, उसमें कुछ ज़्यादा स्कोप था ही नहीं करने को। वो प्ले करती ईशान खट्टर की बहन, जो कि इवेंचुअली इंडियन सीक्रेट सर्विस में नौकरी करके वॉर का हिस्सा बन जाती हैं। प्रियांशु पेन्यूली भी हैं इस पिक्चर के अंदर, जो कि ईशान खट्टर के बड़े भाई प्ले करते हैं और वो भी अच्छा रोल करते हैं। चंद्रचूर राय इज ऑल्सो फेयरली गुड, एंड सो इज सोनी राजदान। ओवरऑल अगर मैं फिल्म की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो कोई भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगी और आपको बहुत आउट ऑफ द ब्लू देखने को मिल जाएगी। परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, ठीक ठाक हैं, बट टू बी ऑनेस्ट अब ठीक ठाक परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही लगती हैं। मतलब अच्छी परफॉर्मेंस ऐसा कुछ खास नहीं निकल कर आया इस पिक्चर के अंदर। पॉइंट नंबर थ्री, द वॉर सीन्स। आई नो इस फिल्म के अंदर वॉर को एक बहुत ही ह्यूमन एंगल से ट्रीट करा गया है, लेकिन तब भी जो जो वॉर के और बैटल के सीन्स थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडरवेलमिंग लगे। तरह का डेथ, डेवेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन वॉर्स के दौरान दिखता है, जो आजकल हम अपने सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे इस फिल्म से मिसिंग लगा और बहुत ही वीक लगा, बहुत अटपटा सा लगा। कहीं पर भी मुझे ऐसी घबराहट नहीं होती, मेरा दिल पसीज नहीं जाता। आधे लोग जो लड़ाई कर रहे हैं वो तो सुस्त से लग रहे हैं, बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता वॉर सीन्स देखकर। एक एग्जांपल देता हूं, कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तानी सोल्जर्स ने एक इंडियन ऑफिसर को किडनैप कर लिया और उसको टॉर्चर कर रहे हैं, और उसको टॉर्चर करने के लिए किसको बुलाया, इनामुल हक को। अरे मतलब इनामुल हक बढ़िया एक्टर है भाई साहब, लेकिन वो टॉर्चर करते हुए कैसे लगेंगे यार। और उनको भी बना दिया एक बंगाली कैरेक्टर, बंगाली कैरेक्टर भी इतना कैरिकेचरिस्ट बनाया है कि वो सीधा बोलते हैं शाला कब हमको सारा इंफॉर्मेशन देगा। मैंने कहा मजाक चल रहा है क्या भाई, वो अगला टॉर्चर कर रहा है, यहाँ बंदों की हंसी छूटी जा रही है, ऐसे थोड़ी होता है यार। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन डिस्पाइट दैट जो वॉर सीक्वेंसेस हैं वो थोड़े से वीक लगते हैं। और मेरा पॉइंट ये कि जब आप एक वॉर फिल्म बना रहे हैं, इवन इफ यू आर डूइंग अ वेरी ह्यूमेन एंगल टू इट, एटलीस्ट वॉर तो डिस्ट्रक्टिव दिखाओ। ऐसा लगे वॉर देखे कि भाई साहब क्या हीरोइक्स करे इन्होंने, वो बिट मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडरवेलमिंग लगे। और मुझे लगता है कि अगर उनको और डिटेल आउट करा जाता, उनको और तगड़े तरीके से शूट और एडिट करा जाता, तो शायद देखने में थोड़ा और मजा आता। पॉइंट नंबर फोर, सेंसिटिविटी। दांतों वाली नहीं, दिल और दिमाग वाली। वॉर फिल्म्स के नाम पे पिछले कई सालों में हम सिर्फ जिंगोइज्म सर्व करने लगे हैं। हम वॉर और उसके एलिमेंट्स को एक बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही छोटे नजरिए से देखते हैं, जिसमें जो बाकी के पहलू हैं वॉर के वो कहीं ना कहीं हमारी आंखों से मिस हो जाते हैं। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ ये वाली फिल्म एक बहुत ही फ्रेश और अच्छा पर्सपेक्टिव लेकर आपके सामने आती है। फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर की कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, एक शहीद फौजी की फैमिली के डायनामिक्स हैं, वॉर की ह्यूमन इंपैक्ट की स्टोरी है। जिस सेंस और सेंसिबिलिटी के साथ वॉर को इस तरह ट्रीट करा गया है, जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं रेफ्यूजीज की, जिस तरीके से बात करते हैं वॉर के इंपैक्ट की, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं। और कहीं पर भी ऐसे श्रिल जिंगोइज्म आपको महसूस नहीं होता, बल्कि जेन्युइनली आपको देश के प्रति प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट निकल कर आती है। और जिस तरह के आर्मी की कोर वैल्यूज़ को इस पर फोकस करा गया है, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अपने तेजस की तरह नहीं कि भैया इनडिसिप्लिन चल रहा है, इनसबॉर्डिनेशन चल रहा है, उसके बाद भी एक के बाद एक मिशन मिले जा रहे हैं। बहुत ही डिटेल के साथ इन्होंने आर्मी लाइफ को दिखाया है, और जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स दिखाए हैं लाइक आई सेड वो बहुत ही प्यारे हैं, वो सब देख के मुझे जेन्युइनली काफ़ी अच्छा लगा। पॉइंट नंबर फाइव, द सिनेमेटोग्राफी ऑफ द फिल्म। फिल्म की डीओपी है प्रिया सेठ, जो कि एयरलिफ्ट पर राजकुमार मेनन के साथ पहले भी काम कर चुकी हैं, और यहाँ पर उनका काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक तो एनीवे बहुत कम नंबर ऑफ फीमेल डीओपीज हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन प्रिया सेठ आई एम श्योर उनमें से काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, बिकॉज फिल्म का एक एक सीन देखते बन रहा था। खासकर वो सीन जहाँ पर टैंक्स चल रहे हैं, पानी के अंदर से निकल रहे हैं और वो सारी चीज़ें हो रही, वो देख कर बहुत अच्छा लगा और मुझे मज़ा आया उनकी सिनेमेटोग्राफी देख के। आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट विन्स ऑफ दिस फिल्म। यहां पर हम म्यूजिक बोल सकते हैं, लेकिन एआर रहमान की म्यूजिक एक्चुअली थोड़ी ठीक ठाक ही है। कुछ गाने अच्छे लगते हैं, कुछ गाने अच्छे नहीं लगते हैं, उन पर कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रही है, जिसके बारे में मैंने ऑब्वियसली बहुत पढ़ा नहीं है अभी, सो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, बट आई नो सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी इज गोइंग ऑन।
ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस फिल्म की, तो फिल्म काफ़ी अच्छी थी और मेरे हिसाब से इट डिजर्व्ड अ थिएट्रिकल रिलीज। मैं इन सारे सीन्स को बड़े पर्दे पे देखना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब 40 इंच के स्क्रीन पे देख लिया। तुम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने टूटे मोबाइल के स्क्रीन पे तो मत देखना, कहीं जाकर एक अच्छे ढंग के टीवी पे कम से कम पिक्चर को देख के आओ, बिकॉज पिक्चर एक्चुअली ठीक ठाक बढ़िया पिक्चर है। अपनी तरफ से फिल्म को देना चाहूंगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। एक पॉइंट मैं काट रहा हूँ वॉर सीक्वेंसेस के अंडरवेलमिंग होने के, और आधा पॉइंट मैं काट रहा हूँ फिल्म की परफॉर्मेंसेस का भी थोड़ा वीक होने पर। देखा जाए तो फिल्म की लेंथ भी 2 घंटा से ऊपर है, लेकिन आपको पता नहीं चलती है। ओवरऑल अगर आज आप फ्री हैं, कल आप पिक्चर देख नहीं जा रहे हैं, तो आप पिप्पा देख सकते हैं, बढ़िया पिक्चर लेकर आए हैं, एंड आई रियली रियली विश कि पिक्चर थिएटर में आती। बाकी गाइस आप सबको हैप्पी दिवाली। पीछे आप मेरी दिवाली का डेकोर देख ही सकते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने करा है। कल हम जाएंगे कल हम जाएंगे टाइगर 3 देखने के लिए, उसका रिव्यू भी सवेरे सवेरे कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए लाएं, ताकि फ्री होकर मैच देख सकें, दिवाली को सेलिब्रेट कर सकें। अच्छा गाइस, हैप्पी छोटी दिवाली। लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।